कोलारस तहसील की ग्राम पंचायत गिलगवा में चुनाव लड़ रही रचना बाई ने अपनी विरोधी पार्टियों और चुनाव अधिकारियों पर मतगणना में हेरफेर के आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस पर धक्का मुक्की करने की बात कही है। रचना बाई आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शिवपुरी जिला मुख्यालय पर पहुंची और पोलिंग नंबर 73 पर दोबारा से काउंटिंग कराए जाने की मांग की। रचना बाई पत्नी नवल सिंह लोधी निवासी ग्राम गिलगवा तहसील कोलारस ने कलेक्टर के नाम सौंपे गए आवेदन में बताया कि 1 जुलाई को है मतगणना में पीठासीन अधिकारी पुलिस बल व विरोधी प्रत्याशी रुद्राक्ष गौड़ व उसके पिता सुनल गौड़ के द्वारा मुझे और मेरे एजेंटों को धमकाया गया। मतों की सही गणना नहीं करने दी गई। प्रथम की काउंटिंग में 105 मत मेरे पक्ष में बताए गए जिसका प्रमाण पत्र कर्मचारियों के द्वारा दिया गया, लेकिन मेरे यहाँ पर 49 मत कैसे हो गए। जब मैंने आपत्ति उठाई तो पुलिस ने मुझे धमकाया, पोलिंग बूथ में अंदर जाने की कोशिश की तो मेरी चोटी पकड़ी और धक्का मुक्की की। रचना ने बताया कि पोलिंग नंबर 73 को अति संवेदनशील घोषित किए जाने के लिए पूर्व में भी SDM कलेक्टर व SP को आवेदन दिए थे। रुद्राक्ष गौड़ और सुनील गौड़ के द्वारा चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई थी जिस पर से अधिकारियों ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं, पोलिंग बूथ पर रुद्राक्ष गौड़ और सुनील गौड़ को ही एजेंट बनाया गया जिसका फायदा उन्होंने उठाया, मतगणना में हेराफेरी कर अपने आप को जिता लिया, इसलिए पोलिंग बूथ क्रमांक 73 की मतगणना दोबारा करवाई जाए। अमल जी क्या समस्या लेके आए? गलत प्रभाव पड़ेगा, समस्या है चुनाव की, प्रभाव गलत पड़ेगा। सरपंच जी के चुनाव पे लड़ाते हम तो उसमें सामने वाली पार्टी दबंग थी और उसने हमारे साथ दादागिरी की और उनने जो अधिकारी पुलिस थी 4-5 सदस्य पुलिस के थे उनको भी उनके तरफ मिला लिया था। हमारी समस्या का जो हल था उसको वो नहीं सुन रहे थे, जो हम कहते थे वो हमारी बात भी नहीं मान रहे थे, उनकी तरफदारी में थे। तो हमारी जो वोटें हुई तो दो हमारी जो पेटियाँ थी थोड़ा पंचायत में जो गलन गिड़ी गई वो पेटी उन्होंने पहले निकाल दिया, उसमें मेरे मत मिले 327, गिलगमा की जो पोलिंग थी उसमें मुझे मत मिले 248, जो लास्ट वाली जो पेटी थी थोड़ा पंचायत की उस पेटी को उनने पहले निकाल के पहले सरपंच जी के वोट गिने गए जिसमें आधी सरपंच की बोलेंगे गिनती करके और उनने बीच में जनपद की और जिला की शुरुआत कर दी। और जब मेरे आधी गिनती में सरपंच में 105 वोट थे, फिर उनने गिनती करने के बाद में जो मुझे प्राप्ति थी, जो प्राप्ति है उसमें 105 वोट मेरे थे, उसमें 49 वोट की प्राप्ति थी। जब मैंने कहा 49 वोट की प्राप्ति क्या हो जा रहा है, 105 वोट है, इसमें मैं हार ही जाऊँगा। जब मैं जीत गया आपने घोषित कर दिया जीत गए आप, उसके बाद कोई कागज वगैरह दिया था उन्होंने जीत का? नहीं दिया, उससे पहले जो लास्ट जो प्राप्ति थी 49 वोट की उनके हिसाब से तो उन्होंने मुझे हरा ही दिया। फिर बार पता पड़ा मेरी जनता को तो जनता में हाथापाई हुई और जो मेरे घर से जो बेनिफिट थी वो अंदर आई तो पुलिस वाले ने उसे चोटियाँ पकड़ उसमें धक्का दे दिया। आपने इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से की? जी, उसने शिकायत ले ली सामने वाले अधिकारी ने और सामने वाला जो कैंडिडेट था वो धमकी देने लगा, आपको सरपंच जी चाहिए। क्या नाम है उसका? गोलू गौड़ और सुनील गौड़। किस प्रकार की धमकी देने लगा? क्या धमकी देने लगा? उसने कहा आपको जनता को मरवाना है कि आपको सरपंच चाहिए। और मैंने जिनके खिलाफ पहले वो करवाई थी समन सील करवाने के लिए, इनके दोनों को नाम दिया था कि जो हम करते हैं हर बार सुनील गौड़ और गोलू गौड़, उसके बावजूद भी दोनों को एजेंट बनाया गया दोनों को लेकर। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं ये चाहता हूँ या तो दोबारा रिकवरिंग हुए या फिर चुनाव ने किया।